हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान एनसीईआरटी के भाग 2 को प्रारंभ कर चुके हैं। डिस्टेंट जिसका नाम है कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डिस्टेंट इस बुक का अभी हम केवल बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक के बाद हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पहला लेसन क्या पड़ेगा अपना हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो डिस्टेंट लेसन को शुरू करने से पहले इस बुक का जितना भी आपका बेसिक है डिस्टेंट, हम पहले बेसिक को कवर करेंगे और बेसिक जब हम कवर कर लेंगे डिस्टेंट, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि डिस्टेंट मैं आप अधिकांश लोगों को सुनता हूँ कि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का उनका सामना करना पड़ता है उसको पढ़ते हुए। लेकिन उन लोगों के साथ मेनली प्रॉब्लम बेटा ये रहती है कि वो कार्बनिक रसायन का बेसिक नहीं जानते हैं। जिस स्टूडेंट को बेसिक अगर कार्बनिक रसायन का पता है तो उसको कार्बनिक रसायन बिल्कुल ही इजी लगता है, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो डिस्टेंट हम भी डायरेक्टली लेसन नहीं पढ़ा करके हम पहले इसका बेसिक आप लोगों को कवर कराएंगे। जब आप लोगों को बेसिक की जानकारी हो जाएगी तो हम इसके लेसन में आएंगे, और जब लेसन में आएंगे जब बेसिक आप लोग जानते होंगे तो किसी भी रिएक्शन को कराते समय बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बेसिक कवर करेंगे। तो डिस्टेंट इस बेसिक का हमने एक वीडियो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, और आज का बेटा ये आपका दूसरा लेक्चर है, ठीक है डिस्टेंट। तो इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था डिस्टेंट कार्बन के बारे में कुछ विशेष बातें देखी थी, और उनमें से एक लास्ट में एक विशेष बात पड़ी थी, कार्बन जो अधिकतम बंध बनाता है बेटा वो 4 बंध बनाता है, यानी कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है, यानी कार्बन अपनी 4 संयोजकताएँ जो पूरी करता है वो 4 बंधों से पूरी कर सकता है करता है। जैसे कि हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने मैथेन का एग्जाम्पल दिया था डिस्टेंट, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि कार्बन की एक चैन बनाएंगे, और मैं 2-3-4 एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा कि कार्बन किस प्रकार अपनी संयोजकता को पूरा करता है। लेकिन सबके लिए एक बात विशेष याद ये रखें बेटा कि कार्बन जो बनाता है अधिकतम 4 बंध बनाता है, ठीक है डिस्टेंट। तो देखिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, तो देखिए मैंने ये कार्बन की चैन बना रखी है बेटा, कार्बन की चैन बना रखी है। अब देखिए डिस्टेंट कि यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो कार्बन है ये वाला कार्बन, ये एक बंध बना रहा है, यानी अभी से कितने बंध और बनाने की आवश्यकता है, वेरी गुड, 3 बंध बनाने की और आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कार्बन कितने बंध बनाता है बेटा, 4 बंध बनाता है। तो बेटा अब क्या करें कि हम इसके 4 बंधों को किस प्रकार पूरा करेंगे, तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बंध तो इसका ऑलरेडी बना है, तो अभी इसको 3 बंध और बनाने, कितने बनाने हैं बेटा, 3 बंध और बनाते हैं। तो 3 बंध बनाने के लिए बेटा क्या होगा, ध्यान से समझें, मैं आप लोगों को समझाऊं। देखिए एक बंध आपका ये रहेगा और एक बंध बेटा आपका ये रहेगा, ठीक है स्टैंड। तो ये 4 बंध हुए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन 4 बंधों पर क्या जोड़ा जाएगा बेटा, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बेटा, हाइड्रोजन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कार्बन तथा कार्बन के यौगिक। आई होप कि आपको समझ रहे होंगे कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो यहाँ पे हम इसके 3 बंध और बनाएंगे, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अब 3 हाइड्रोजन और जोड़ने वाले हैं डिस्टेंट। देखिए तो एक हाइड्रोजन बेटा ये हो जाएगा। आई होप अब ध्यान से देखें कि कार्बन अपने 4 बंध बेटा पूरे बना चुका है। देखिए ध्यान से कार्बन के कितने बंध हो चुके हैं बेटा, 4 बंध हो चुके हैं इस कार्बन के। देखिए 1, 2, 3, 4 बंध पूरे हो चुके हैं। तो डिस्टेंट जब हम बुक में पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो आपका खुला हुआ देखने को नहीं मिलेगा। आई होप मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब हम बुक में पढ़ेंगे डिस्टेंट तो ये 3 हाइड्रोजन आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कैसे देखने को मिलेंगे डिस्टेंट, तो बेटा इसी कंडीशन आपको ऐसे देखने को मिलेगी, मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। देखिए डिस्टेंट ये देखिए CH3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जो 3 अभी मैंने बंद बनाए थे 3 हाइड्रोजन वाले, तो 3 हाइड्रोजन आप लोग बेटा आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि कार्बन अपनी संयोजकता किस प्रकार पूरी करता है, ठीक है, अर्थात तो एक कार्बन को अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए, ठीक है, उसे कितने बंधों की आवश्यकता होती है, 4 बंधों की आवश्यकता होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया कि इसकी संयोजकता को हम पूरी कर चुके हैं। अब देखिए बेटा इस कार्बन को देखिए आप लोग, यानी ये कार्बन जो आपका ये देखा है, ठीक है। अब ये कार्बन बेटा आपका एक बंध ये है, कितने कार्बन इसके 2 बंध बन चुके हैं, कितने बंध बन चुके हैं बेटा, 2 बंध बन चुके हैं, ठीक है। अब इसे 2 बंध और बनाने हैं, तो 2 बंध और बनाते बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझें डिस्टेंट कि इस कार्बन के 2 बंध बने थे ऑलरेडी, 2 बंध जब बने थे डिस्टेंट, तो इसको अभी 4 बंध बनाने हैं, तो 4 बंध बनाने के लिए अभी इसे 2 हाइड्रोजन और चाहिए,
है ना, दो बंद और चाहिए, तो दो बंद बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उतने क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। एक बार ध्यान से समझें, अगर नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो एक बार फिर से देखें कि कार्बन के कितने बंद बने थे। इस ध्यान से देखो इस चीज़ को, कार्बन के बेटा दो बंद बने, क्या बंद बने, दो। और अभी इससे कितने बंद बनाने, अभी दो और बनाने, क्योंकि टोटल कितने बंद बनाता है, चार बंद बनाता है, ठीक है स्टैंड। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसकी दो बंद और बनाने के लिए, तो जितने बंदों की कमी होती है स्टैंड, उतने क्या जोड़ते हैं हम, इतने हाइड्रोजन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बेटा, हाइड्रोजन, क्योंकि बेटा जब हम IUPAC नाम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक में IUPAC नाम भी है, समझते रहना इस चीज़ को, इस चीज़ को बहुत बेटा सीरियस लेना, ध्यान से समझना। और नहीं समझ में आया तो बेटा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इस चीज़ को आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो कार्बन के बेटा कितने बंद बने, दो बंद बने, अभी दो बंद और बनाने, तो जितने बंदों की कमी है बेटा उतने हम क्या जोड़ते हैं बेटा, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दो हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे इस टाइप से, देखिए जब यहाँ पर दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसे कार्बन के बंद कितने हो जाएंगे बेटा, चार हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा CH2 हो जाएगा, ये क्या बेटा CH3, क्योंकि इसका इस कारण का बेटा एक बंद बनाता तो तीन बंदों की कमी थी, जितने बंदों की कमी होती है बेटा उतने हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है स्टैंड। अब यहाँ पर एक इस कारण के दो बंद बने थे, ठीक है, दो बंदों की कमी थी, इसलिए हमने क्या किया बेटा, दो हाइड्रोजन जोड़ दिया। और देखिए मैं इसको अब स्ट्रक्चर को मैं खोल करके दिखाऊँ कि इसके चार बंद कैसे हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन जोड़ना है, तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ आ जाएगा, ध्यान से समझें। देखिए ध्यान से, इस कार्बन के भी अब बेटा देखो चार बंद बन चुके हैं, एक दो तीन चार, याद रखना बेटा, ये बंद ये इसके लिए भी काम कर रहा था और ये इसके लिए भी काम करेगा, ठीक है स्टैंड। तो अब इस कार्बन के भी कितने बंद बन चुके हैं बेटा, चार बंद बन चुके हैं, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर में खोल कर नहीं लिखेंगे बेटा, हम कैसे लिखेंगे इसको, ये देखिए आप ध्यान से बेटा, ये इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टैंड। अब सेम टाइम से देखिए बेटा, इस कार्बन के कितने बंद बने, चार बंद बने, सॉरी दो बंद बने, एक बंद इधर था और एक बंद, ठीक है। तो दो बंद हैं, दोनों सिंगल बंद हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे स्टैंड, ध्यान से समझें कि इसके बाद कितने बंदों की कमी है, दो बंदों की कमी, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दो यहाँ पे हाइड्रोजन ये जोड़ देंगे। आई होप कि आप समझ में, आपकी समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। अब स्टैंड, अब हम आगे चलें और आगे चल करके देखें कि इस कार्बन पर डिस्कस करें, ठीक है स्टैंड। तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि दो बंद तो ऑलरेडी हैं, अभी दो बंदों की और कमी है, जब जितने बंदों की कमी होती है स्टैंड, तो उतने हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो स्टैंड यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे हम, यहाँ पे जोड़ेंगे हम टू हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे बेटा, टू हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है स्टैंड। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब रहा बेटा ये जो साइड वाला कार्बन है, इस कार्बन की याद कर लो, ठीक है स्टैंड। तो ये कार्बन अभी कितना है, सिंगल बॉन्ड से कितना बंद बना हुआ है, जैसे केवल एक बंद बना हुआ है, क्योंकि ये बंद बेटा इसके लिए भी काम कर रहा है, ये इसके लिए भी काम कर रहा है। तो इस कार्बन का बेटा क्या है, अभी एक ही बंद बना है, अभी इसको तीन बंद और बनाने की आवश्यकता है। जब तीन बंद बनाने की आवश्यकता है स्टैंड, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर तीन हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, तीन यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे स्टैंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आप कार्बन की संयुक्ता को पूरी कर सकते हैं। जब हम बेटा IUPAC नाम पढ़ेंगे, ठीक है स्टैंड, तो हमें इस चीज़ की विशेष आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जब मैं वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ूंगा, तो आप समझ जाना कि हाँ ये सर कहाँ से आपको समझा रहे हैं। और आपको बेसिक क्लियर है तो आपको बुक में जाकर कंडीशन में आपको वादा दिलाता हूँ कि वहाँ पर कोई भी समस्या आने वाली नहीं है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, चाहे आपको कोई रिएक्शन पढ़ें या उस किसी भी रिएक्शन की कोई क्रियाविधि को पढ़ें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन शर्त यह होगी बेटा, आपका बेसिक 100% मौजूद होना चाहिए। अगर बेसिक आपका कमज़ोर रह गया, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समस्या और स्टूडेंटों की अपेक्षा आ सकती है। और चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल मजबूत हो लाइफ में, हम ही नहीं कि आप दूसरों को भी बता पाएँ, तो आपको ये ज़रूरी है कि उसका बेसिक आपको अभी से पक्का करना पड़ेगा डिस्टेंट, ठीक है। चलिए, तो ये जो मैंने अभी कार्बन बनाया था, अभी इसमें क्या था, पूरी चैन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या था बेटा, एकल बंद था, यानी सिंगल बंद था। अब देखिए मैं कुछ इस प्रकार का हाइड्रोकार्बन दिखाऊंगा आप लोगों को, जिसमें कुछ डबल बंड भी आएंगे और ट्रिपल बंड भी आएंगे। तो ध्यान से समझें, मैं अगली देखिए क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। आप इस पर थोड़ा विचार कीजिए कि मान लीजिए सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, इस पर आप थोड़ा विचार कीजिए डिस्टेंट, ठीक है। अब जब चलिए एक बॉन्ड और लगा देते हैं, इस पर विचार कीजिए। अब देखिए मैं इस कार्बन की बात करूँ डिस्टेंट, इस कार्बन की अगर बात करूँ तो इस कार्बन के कितने बंद बने बेटा, तीन बंद बने, कितने बंद बने, तीन बंद, सॉरी इस कार्बन के बेटा एक बंद बना है, कितना बना, एक बंद अभी बना है, ठीक है स्टैंड। और जब एक बंद बना है तो इसको अभी अपनी कितने बंद बनाने, चार बंद बनाने, तो कितने बंदों की कमी इस कार्बन के लिए, यानी इस कार्बन के बंद होने चार, लेकिन एक बंद है तो कितने बंद कमी रह गई, वेरी गुड, तीन बंदों की कमी है। तो जितने बंदों की अभी कमी है स्टैंड, ठीक है, तो हम उतने क्या जोड़ते हैं बेटा, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो बेटा यहाँ क्या करें हम, यहाँ पे हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन अपनी तरफ से ये लगा देंगे, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब इस कार्बन की संयुक्त पूरी हो चुकी है, ठीक है स्टैंड। अब इस कार्बन के देख लिए, अब इस कार्बन के कितने बंद बने बेटा, एक दो तीन,
ये बता रहा हूँ कि ये कॉमन था, ये इसके लिए भी काम करता है, ये इसके लिए भी काम करेगा स्टैंड, ठीक है स्टैंड। तो इसके इसके कितने बंद बन चुके हैं, तीन, एक दो तीन, लेकिन अभी एक संहिता होनी कितनी है बेटा, चार। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, एक हाइड्रोजन लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक हाइड्रोजन अब लगा देंगे, देखिए मैं आपको समझाऊँगी चार बंद कैसे बनेंगे। देखिए ये देखिए भाई, इस टाइप से देखो आप, तो देखो एक बंद, दो बंद और दो ये ऑलरेडी हैं, तो कितने हो गए, चार बंद हो गए, है ना। कार्बन कितने बंद बनाता है, अधिकतम चार बंद बनाता है, तो दो बंद तो ये थे बेटे स्टैंड, और दो एक ही हो गया और एक ही हो गया, तो कुल मिलाकर कितने बंद हो गए, चार बंद हो चुके हैं। तो स्टैंड इसको हम इस टाइप से ना लिख करके कैसे लिखते हैं, हम इस टाइप से लिखते हैं स्टैंड, ठीक है। क्योंकि आपको जो सेकंड बुक में पढ़ेंगे आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो यौगिक होंगे स्टैंड, वो इसी फॉर्म में लिखोगे आपको मिलेंगे, इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। जब आई यू पी एस सी नेमिंग करेंगे तब भी आपको यही फॉर्म देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टैंड, अब हम इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन के लिए देखिए कि दो बंद तो इसके ऑलरेडी ये हैं और एक बंद ये है, तो बेटा कितने बंदों की कमी है इसके लिए, एक बंद की कमी है। और जब एक बंद की कमी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ देंगे। चलिए एक हाइड्रोजन बेटा हमने ये जोड़ दिया, ठीक है। ऐसा करने पर क्या हुआ कि एक दो तीन बंदे हैं और एक ही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंद बनाएगा तो कुल मिलकर कितने बंद हो जाएंगे बेटा, चार बंद हो जाएंगे। ऐसे हिसाब लगा लेते हैं, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब इस कार्बन के लिए देख लीजिए स्टैंड, इस कार्बन के लिए देखिए स्टैंड कि इसके एक दो तीन, तीन बंद ऑलरेडी बने हैं, और तो अभी एक बंद और बनाना, एक बंद और बनाया तो हम क्या करेंगे बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ देंगे स्टैंड। तो ध्यान से देखें स्टैंड कि ये आपका इसकी भी अब संयुक्त पूरी हो चुकी है, ठीक है स्टैंड। कि तीन बंद, एक दो तीन बंद बने हैं, एक बंद की कमी रहेगी तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया स्टैंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके लास्ट कार्बन पर, ये जो आपका लास्ट कार्बन है इसके लिए बात कर लो। तो इसके लिए बेटा क्या है कि देखिए दो बंद तो ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना, और तो कितने बंदों की कमी है, वेरी गुड, दो बंदों की कमी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, दो यहाँ पे हाइड्रोजन इस टाइप से जोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए स्टैंड, आपकी कार्बन की संयुक्ता हर जगह पूरी हो चुकी है स्टैंड। आपको ये संयुक्ता बेटा आपको पूरी करनी आनी चाहिए, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको मास्टर बनना है, ठीक है, तो आपको ये संयुक्ता आपसे पूरी करनी आनी चाहिए, ठीक है स्टैंड। अब जो बेसिक है हम थोड़ा थोड़ा इसको कवर करेंगे, लेकिन इतना इसी तरीके से कवर करेंगे, अगर एक बार आप अपने नोट्स में रिवीजन कर लें तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और ये मैं बताऊं आपको, नोट्स अवश्य बनाते रहें, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतने ज़्यादा उस चीज़ में हीरो हो जाएंगे स्टैंड, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और हाइड्रोकार्बन के बारे में। मान लीजिए ये देखिए स्टैंड, अब हम इस चैन में अगर बात करें तो इसके हमने कार्बन कार्बन दे रखे हैं स्टैंड। अब हमें बॉन्ड इसके बंधों को देख करके हमें ये और बताना है कि हमें किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो स्टैंड इस चीज़ को देखिए, इस कार्बन के पास केवल से एकल बंध है, अर्थात सिंगल बंध है, अभी इसको तीन बंध और चाहिए, यानी तीन बंधों की कमी है, तो बेटा क्या करेंगे हम, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे बेटा, तीन हाइड्रोजन, वेरी गुड। चलिए यहाँ पर तीन हाइड्रोजन ये जोड़ दिया हमने, ठीक है स्टैंड। चलिए अब इस कार्बन के लिए देखिए, एक बंद ये बना है, एक बंद ये बना, दो बंद बने, दो की कमी रह गई बेटा, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा इस कार्बन पर आ जाइए, इस कार्बन पर देखिए, ध्यान से समझे दे, इस कार्बन पर देखो क्या है कि एक दो तीन, तीन बंद है और एक बंद है, चार बंद है, तो यानी कार्बन अपने चारों बंद बना चुका है, यानी इस कार्बन को अभी किसी भी हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है, इस कार्बन को किसी भी हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम बेटा कितने बंद बनाता है, चार बंद बनाता है, जिसमें वन टू थ्री एंड फोर इसके चारों बंद क्या बन चुके बेटा, बन चुके हैं चारों बंद, यानी इसकी संयुक्त पूरी हो चुकी है, यहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन की बेटा आवश्यकता नहीं है, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब आगे आ जाइए स्टैंड, ठीक है। अब इसको देखिए आप लोग, तो इस कार्बन के लिए देखो, तो इस कार्बन के देखेंगे तो एक दो तीन और एक बेटा चार, इस कार्बन के बंद बेटा क्या है, पूरे बंद है, यानी यहाँ पे भी किसी कार्बन की किसी भी हाइड्रोजन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझें कि इसके इस कार्बन की बात करें तो एक दो तीन और एक ये चार, मैंने बताया कि ये जो बीच वाला ये इसके लिए भी काम करेगा, ये जो तीन बंद इसके लिए भी काम करेंगे, ये तीन इसके लिए भी काम करेंगे, बस समझ में आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो तीन बंद तो ऑलरेडी है और एक बंद है, तो कितने बंद होंगे बेटा, चार बंद होंगे, और जब चार बंद हो चुके हैं इसके तो यहाँ भी हमें कोई हाइड्रोजन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है स्टैंड, ठीक है। चलते हैं आगे, अब इस कार्बन की बात करिए स्टैंड, इस कार्बन के देख रहे हैं आप कितने बंद बने बेटा, दो बंद बने, कितने बंद बने बेटा, दो बंद बने। अब दो बंद अगर इसके कार्बन के बने हैं स्टैंड, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसके लिए कितने बंद और चाहिए, दो बंद और चाहिए, तो दो बंद और चाहिए, तो बेटा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन और लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। चलिए आपकी संयुक्ता पूरी हो चुकी है, दो बंद ही हैं और दो आपके हाइड्रोजन आ चुके हैं, ठीक है। कुल मिलाकर हमें इसकी संयुक्ता चार करनी होती है स्टैंड, ठीक है।
अगर जितने बंद कम होते उतने हम वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको बाकी अच्छा लग रहा है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। तो स्टूडेंट अब इस वाले कार्बन की ओर चलते हैं आगे। तो इस कार्बन के देखिए बेटा क्या बंद बने बेटा आपके, वेरी गुड, बने एक बंद बना हुआ है। इसको कितने बंदों की आवश्यकता है चार करने के लिए, तीन की आवश्यकता है। तो कितने कार्बन जोड़ने पड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, वेरी गुड, थ्री हाइड्रोजन यहाँ बेटा हमको जोड़ने पड़ेंगे। अब देखिए डेस्टन कि अब हम इस चैन में देखें तो अब प्रत्येक कार्बन की संयुक्त पूरी हो चुकी है। इसमें विशेष बात यह है, देखो बेटा इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इनके चार चार बंद ऑलरेडी बने, एक दो तीन चार, चार बंद बने, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे। ठीक है स्टैंड, इस कार्बन पर देखो एक दो तीन चार, यानी यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, यानी चारों बंद इसके पूरे हैं। ठीक है स्टैंड, तो ये थी कुछ सिंपल लाइन। अब मैं देखिए कुछ एक आध लाइन और आपको मैं बता करके दिखाऊँ। सी सिंगल बॉन्ड सी सी देखिए, अब हम इस पर डिस्कस करिए, क्योंकि बेटा कार्बन की चैन आपको जरूरी नहीं है सीधी ही मिलेगी, जरूरी नहीं है ये आपको सीधा ही देखने को मिलेगा, आपको ये कुछ शाखाओं के रूप में भी देखने को मिल सकती है स्टैंड। ठीक है, इस बात को याद रखें कि कार्बन की चैन ये आवश्यक नहीं कि बेटा आपको सीधी ही देखने को मिले। ठीक है स्टैंड, क्या मिल सकता है वो कार्बन की चैन आप लोगों को बेटा, आपको नीचे को भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये ऊपर को भी देखने को मिल सकता है, अर्थात उसमें शाखाएँ हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें काम क्या करना है, हमें क्या करना है, इसके संयोजकता को पूरा करना है, अर्थात हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो हमें वही काम करना है जो करते चले आ रहे हैं। तो इस कार्बन को देखिए बेटा, इसे कितने हाइड्रोजन है इसके पास, तो सॉरी कितने बंद, एक बंद है, कितने बंदों की कमी है, तीन ही कमी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है स्टैंड, अच्छा इस कार्बन पर आ जाइए, अब तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो दो बंद बने हुए हैं तो कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा, दो हाइड्रोजन चाहिए। चलिए वेरी गुड, आपको समझ में आ गया इसका मतलब। चलिए अब इस कार्बन के लिए बात कर लें। इस कार्बन को देखिए बेटा, एक बंद दो बंद तीन बंद बन चुके हैं डिस्टेंट, कितने बंद बन चुके हैं, तीन बंद बन चुके हैं। ठीक है, तो कितने बंद की आवश्यकता, एक बंद की, तो यहाँ पे करेंगे हम बेटा एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा डिस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए डिस्टेंट, इस कार्बन को देखिए, इसके एक दो दो और एक बेटा तीन, तीन बंद बन चुके हैं, एक कार्बन की, एक हाइड्रोजन की अभी आवश्यकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस कार्बन के तीन बंद, एक दो तीन बंद है, और बंद होने कितने चाहिए बेटा, चार होने चाहिए, यानी एक बंद की कमी है, तो एक बंद की कमी, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हम ये जोड़ देंगे डिस्टेंट। ठीक है, अब बेटा इस कार्बन पर आ जाएं, तो इस कार्बन के कितने बंद बने, दो बंद बने। ठीक है, बंद होने चार, तो दो की कमी रहेगी, तो बेटा यहाँ पे हम दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन अभी काम बेटा अभी ख़त्म नहीं हुआ अपना, अभी काम अपना ख़त्म नहीं हुआ, अभी देखिए इसके चैन अभी नीचे की ओर को भी है। ठीक है डिस्टेंट, तो इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के कितने बंद बने, ये जो नीचे कार्बन है बेटा ये कितने बंद बने इस कार्बन के, ध्यान से समझें, इस कार्बन के बेटा एक बंद ये है, दो बंद ये हैं, दो और एक के इतने तीन बंद हैं, तो एक हाइड्रोजन हमें यहाँ पर और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है डिस्टेंट, तो ये हो गया आपका नाम। ठीक है, यानी इस कार्बन के चार बंद हो चुके हैं, तीन, एक दो तीन और एक ही बेटा हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कैसे बंद बनाएगा एक बार बता दूं, चाहे आप इसको इस टाइप से करके दिखा दो। ठीक है, ऐसे कर देखो, एक एक दो तीन चार। ठीक है, तो हम बंद नहीं दिखाएंगे बेटा, केवल क्या दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, एक हाइड्रोजन लगा कर दिखा देंगे। ठीक है स्टैंड, अच्छा अब इस कार्बन के लिए आ जाए बेटा, इस कार्बन के लिए देखो दो बंद बन चुके हैं। ठीक है, जब दो बंद बन चुके हैं तो यहाँ पर अभी कितने बंदों को आ सकता है, दो को आ सकता है, तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ये जो मैंने आपको कार्बन की संयुक्तता पूरी करनी सिखाई है, आप इसको जरूर से जरूर सीख लें आप, और आपको समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, और नहीं तो इसको बार बार जब अभ्यास करेंगे तो ये आपसे बनाना बेटा आ जाएगा, बहुत ही आसान है। और जब ये बात आपसे अगर बनानी आ गई स्टैंड, तो समझ लेना IUPAC आपको पक्की हो गई। ठीक है स्टैंड, क्योंकि IUPAC जब नाम हम लिखेंगे, और याद रखना मैं आपको बताऊं कि सेकंड बुक के अंदर अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी जो एलिमेंट सॉरी कंपाउंड हैं अर्थात यौगिक हैं, उनके अधिकतर नाम बेटा IUPAC नाम ही लिखे हुए हैं, इनके वास्तविक नाम नहीं लिखे हुए हैं। अगर बेटा आपका कोई एथिल अल्कोहल है तो वहाँ एथिल अल्कोहल नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर एथेनॉल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा, एथेनॉल लिखा हुआ है। इस चीज़ को विशेष याद रखें बेटा, अगर ये चीज़ आपको पक्की हो जाएगी जैसे ही मैंने आपको बताया, तो बेटा आप IUPAC नाम लिखना भी इसी से सीखेंगे, क्योंकि ऐसी जब चैन में बनाऊंगा तो वहाँ पर जो IUPAC नाम आपको सिखाऊंगा बेटा, तो ऐसी कार्बन की संयुक्तता को मैं पूरी करूँगा, जितने बंदों की कमी होगी उतने वहाँ पे मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा। ठीक है, और कार्बन की संख्या के आधार पर मैथेन एथेन प्रोपेन या मैथिन एथिन इस टाइप से, या एल्काइन जो आपकी श्रेणी होती है, मैथेन एल्केन है, एल्कीन और एल्काइन है। ठीक है, ठीक है, उसी के आधार पर तो हम बताएंगे कौन सा एल्केन होता है, कौन एल्कीन होती है, कौन एल्काइन होती है, ये उसके बॉन्ड पर होती है। यदि कार्बन कार्बन, मैं आप चलो एडवांस में बता दूं आप लोगों को, यदि कार्बन कार्बन के बीच में बेटा
अगर सिंगल बंद है, क्या बंद है? सिंगल बंद है तो वो एल्केन होती है, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बंद है तो वो क्या होती है आपकी? एल्कीन होती है। सिंगल बंद एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये तो इसकी साधारण सी श्रेणियाँ रहेंगी, इसके बाद फिर और भी श्रेणियाँ रहेंगी, जैसे एल्कोहल वाली बात है जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ कराएंगे अर्थात फंक्शनल ग्रुप जुड़ कराएंगे हम, उसका भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले सब कुछ जो आएगा वो इसी से रिलेटिव होगा स्टूडेंट। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा स्टूडेंट? कार्बन की संयुक्तता किस प्रकार पूरी की जाती है, मैंने आज के वीडियो लेक्चर में आपको समझा दिया है। अगर इसमें कहीं आपको कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं स्टूडेंट। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, इसको अपने नोट्स में ज़रूर बनाएं। और अभी हमने बुक स्टार्ट की है, ठीक है, अभी हमने लेसन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उसका जो बेसिक है वो पढ़ रहे हैं। तो ये सारा आप बिल्कुल नोट्स अपना बना करके रखें, आप नोट्स बना कर रखेंगे तो ये लाइफ में आपको कामयाबी दिलाएगा। और आप कभी भूल भी जाएंगे तो आप नोट्स अपना देखेंगे तो आपको तुरंत बात याद आ जाएगी, ठीक है, कौन सा काम किस प्रकार किया जाता है स्टूडेंट। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर अवश्य करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, वीडियो को पोस्ट करके अपना इसको अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।